दोस्तों जब भी कोई केस किसी भी कोर्ट में चल रहा होता है, किसी भी केस की प्रोसीडिंग चल रही होती है कोर्ट में, और अक्सर ऐसा होता है कि केस के चलने के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट की एकदम से जरूरत पड़ जाती है किसी भी केस को आगे बढ़ाने के लिए। सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है किसी की स्कूल की अटेंडेंस को मंगाया जाए, या ये भी हो सकता है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति की पोजीशन में है जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सीडीआर आप मंगा सकते हो, कॉल की लोकेशन आप मंगा सकते हो, या बैंक से कोई भी कागज आपको मंगवाने हैं। तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो आपके पास प्रावधान है 91 CRPC का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और इस प्रावधान में चीजें मेंशन है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट चाहता है किसी भी व्यक्ति से मंगाना, तो उसे एक नोटिस भेजता है 91 का, या फिर कोर्ट चाहता है कोई भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना किसी व्यक्ति से, तो वहां पर वो उसको समन जारी करता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोर्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा 91 CRPC क्या बोलता है और कहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में नहीं मंगवा सकते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ज्यादा कुछ जानने के लिए CRPC 91 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई केस चलता है तो केस चलने के दौरान ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अक्सर कोर्ट को पड़ जाती है, या फिर आपके वकील साहब चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में आए, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, तो ऐसे मामलों में एक जो CRPC का सेक्शन है 91, वो पिक्चर में आता है। क्या बोलता है 91 CRPC, पहले आप इस बात को जान लें। इसकी शुरुआत ही होती है समन्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना। ये सम्मन जब करता है कोर्ट या फिर कोई नोटिस भेजता है कोई पुलिस वाला, तो ऐसे मामलों में उन डॉक्यूमेंट्स को देना अनिवार्य हो जाता है जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उस केस को, उस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाना है। अब दोस्तों अगर हम बुक की लैंग्वेज को समझें तो थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि व्हेनेवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इंचार्ज, मतलब कोई भी ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन के जो SHO साहब होते हैं, या फिर कोर्ट कोई भी, अगर लगता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ट्रायल में उसकी जरूरत है, इंक्वायरी जो चल रही है उसमें जरूरत है, इंक्वायरी चल रही है या फिर चार्जशीट अभी रेडी होनी है, वहां पर SHO साहब को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो 91 का एक नोटिस इशू कर देते हैं। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में कोर्ट को लगता है कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए इस केस के लिए, तो वहां पर वो एक समन जारी कर देते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब बात ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट पेश करना है, वो डॉक्यूमेंट पेश करना कैसे होगा। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कलकत्ता में है, उससे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कोई भी व्यक्ति है हैदराबाद बैठा है और दिल्ली में कोई केस चल रहा है, जैसे हम लोग दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली में हम अक्सर देखते हैं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति खुद ही आए। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं आता है तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को अगर भेज देगा तो भी जो 91 CRPC बोलता है उसकी तामील मानी जाएगी, और माना जाएगा जिस डॉक्यूमेंट के लिए वो नोटिस इशू किया था, जो समन इशू किया था, उसको पूरा कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस आप करा सकते हैं कोर्ट में। आप CDR चाहते हैं अपने क्लाइंट की निकलवाना, उस CDR केस से क्या रिलेशन है वो आप बताएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक समन इशू कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएंगे। आप तो अपने केसेस जो भी चल रहा है कोर्ट में, और आपका अगर कोई खुद का केस चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, कोई डॉक्यूमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके केस के लिए, उसके लिए अपने वकील साहब को आप अगर बोलेंगे तो 91 की एक एप्लीकेशन लगाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लाने के लिए। और अगर आप वकील साहब हैं और आप चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना कोर्ट में, तो आप भी 91 की एप्लीकेशन लगाएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो केसेस अपने सामने आते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि स्कूल में उस वक्त कोई भी मुझे स्कूल से किडनैप करके ले गया, या मेरे साथ में कोई भी अश्लील हरकत की, और अगर आप चाहते हैं अटेंडेंस शीट निकलवाना तो अटेंडेंस शीट निकलवाई जा सकती है। आप ये बोलना चाहते हैं कि नहीं, मेरी उस वक्त तो लोकेशन कहीं और की थी, घटना मान लीजिए दिल्ली में हुई और मेरी लोकेशन राजस्थान है, मैं उस वक्त राजस्थान में था, तो CDR निकलवा ली जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसे व्यक्ति को कभी कॉल ही नहीं किया,
जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो CDR जो होती है उसमें कॉल डिटेल्स होती हैं, लोकेशन निकालना एक अलग चीज़ है, लोकेशन भी निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति की, वो कहाँ पर किस वक्त था। CDR मतलब कि कितनी बार किस व्यक्ति को कॉल की गई, उस नंबर से आप CDR निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कोई बिल मंगाना, किसी भी चीज़ का बिल मंगा सकते हैं। आप बैंक से स्टेटमेंट मंगा सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप नहीं मंगा सकते। एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो एविडेंस एक्ट में जो सेक्शंस जो वहाँ मेंशन है, जैसे कि 126 है, 125 है, 124, 123, मतलब कि 123, 124, 125, 126 में चीज़ें जो मेंशन है, जैसे कि वकील साहब की जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुआ अपने क्लाइंट के साथ, वो डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि नहीं इनके क्लाइंट ने वो डॉक्यूमेंट दिए हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप मंगा नहीं पाओगे कोर्ट में। आप चाहते हैं पुलिस वाले को मुखबरी ने, किसने मुखबर में कंप्लेंट दी, रिटर्न कंप्लेंट क्या थी वो दिखाओ, ये चीज़ सामने नहीं आएगी। या हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो नहीं आएगी। तो एविडेंस एक्ट की जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं उनमें जो चीज़ें मेंशन है वो चीज़ें आप कोर्ट में नहीं मंगा सकते। हालांकि और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेटर्स होते हैं, टेलीग्राम्स होते हैं, पोस्टकार्ड्स होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर आती हैं, वो चीज़ें आप नहीं मंगा सकते हैं। हालांकि उन सब चीज़ों के लिए 92 CRPC में आपको जाना होगा, वो एक अलग एक मुद्दा है, उस पर हम जब वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे 91 के अलावा 92 क्या कहता है। पर 91 CRPC में कोई भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो आप कोर्ट में लाना चाहते हैं, कोर्ट में लाकर उस केस पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की आप डिमांड कर सकते हैं। जज साहब के सामने आप एप्लीकेशन लगाएंगे, और अभी अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को अपने केस में एंटर करवाना, तो जाकर आप SHO साहब से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे, तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। किसी के पास वो एक नोटिस जो सर्व करते हैं जब सामने वाले के पास कि वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करें, तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे डॉक्यूमेंट बार बार कोर्ट मांग रहा है, या फिर आपसे SHO साहब बार बार डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट को दे ही नहीं रहे, तो ये भी गलत है। आपको हिस्सा बनना चाहिए जब कोई कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग चलती है और वहाँ कोई ज़रूरत है किसी डॉक्यूमेंट की, किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई चीज़ भी हो सकती है वो चीज़। मान लीजिए कि घटना स्थल पर कोई भी FSL रिपोर्ट आनी थी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस केस से लिंक करती है, उस केस से रिलेशन रखती है, उन सभी चीज़ को कोर्ट में मंगाने के लिए 91 CRPC की आप एप्लीकेशन लगाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ आप कोर्ट में मंगा सकते हैं। कोई भी किसी तरह का सजेशन आप चाहते हैं, कोई भी किसी तरह की एडवाइस चाहते हैं, अपने केस को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को ज़रूर पूछें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी हर तरह की मदद करने की जो भी आपके केस से रिलेशन रखती है। आप हमसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, जो भी सवाल है सवाल पूछें, कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि किसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लिए ला सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।